हाँ बेटा, तो आज हम लोग चैप्टर करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12 का पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला डिस्कशन हम करेंगे रिलेशन पर। तो रिलेशन में बेटा सबसे पहले आपको ये पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, लेट मैंने एक सेट ले लिया, सेट ले लिया मैंने 1 2 3, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या 1 2 3। दूसरा सेट ले लिया बेटा मैंने 4 5 6, ठीक है। एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया, ए क्रॉस बी आया। तो ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है। तो उसके बाद ए क्रॉस बी आएगा आपका 1 का इसके साथ क्रॉस, तो 1 4 आ जाएगा। फिर 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का इसके साथ तो 1 6, फिर 2 का इसके साथ तो 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 4, 3 5 एंड 3 6। इस तरीके से आप उसका क्या कर दोगे, ए क्रॉस बी निकाल दोगे। बेटा ये जो 1 4 1 5 ये आ रहे ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या रहेगा आपके ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये आ रहे आपके ऑर्डर्ड पेयर, और ये ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया, ये ए हो गया सेट हो गया, ठीक है। कलेक्शन क्या हो गया आपका, सेट हो गया। वैसे अब अगर आप ए क्रॉस बी निकाला, बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। बी क्रॉस ए के लिए क्या करते हैं, पहले बी का एलिमेंट लेके उसको किससे क्रॉस करा दिया, ए के साथ क्रॉस करा दिया। तो ये क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए 4 1 4 2, फिर आ जाएगा 4 3, फिर 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 6 1 6 2 एंड 6 3। इसी तरीके से तो आप देखोगे तो ए क्रॉस बी जो है ना, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता ना। ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, है ना, सेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेट और ऑर्डर पेयर में अक्सर बच्चे का कंफ्यूजन हो जाता है। जो सेट होता है ना, उसमें जैसे आपके पास 1 2 है, तो आप इसको 2 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 1 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 1। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले 1 लिखो या 2 लिखो, है ना, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ऑर्डर पेयर में बेटा, यहाँ पर जैसे कि ये 1 4 लिखा हुआ है, तो आप इसको 4 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। ऑर्डर पेयर का सिंबल ये होता, देखो मैंने यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज कर रखा, ये वाला ब्रैकेट यूज कर रखा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑर्डर पेयर को। ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मैटर, इसमें ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। तो 1 4 आपका 4 1 के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, बट सेट में आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, जबकि ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अब एक और बात बेटा, जैसे अब जरूरी नहीं आप 2 सेट ही को क्रॉस कराओ, आप खुद के साथ भी क्रॉस करा सकते हो। जैसे कि ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हो आप लोग, जैसे ए क्रॉस ए मतलब हमारे पास ए का सेट था 1 2 3, तो उसको आप खुद के साथ ही क्रॉस करा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके आप खुद के साथ भी क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहां से मिटा देता हूं बेटा। अब जो रिलेशन होता है ना आपका, रिलेशन क्या होता है, हम जो मैंने ए क्रॉस बी निकाला था ना, ए क्रॉस बी से ही मैं कुछ एलिमेंट्स उठा देता हूँ और वो एक डेफिनेट रिलेशन से कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, अब रिलेशन को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो वो हमने 11th में सीख रखा है। 11th कैसे सीख रखा बेटा, देखना रिलेशन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो आप कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो, जैसे एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, पी क्यू ले लो, तो मैं क्या ले लो, एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई आर सच दैट, ये क्या लिखा, x एंड y आर सच दैट, x एंड y इस तरीके से हैं कि y जो है 2 times ऑफ x है। कोई सा रिलेशन जरूरी नहीं है 2 times ऑफ x, y is equal to x by 2 ले लो, y is equal to x का स्क्वायर ले लो, कुछ भी रिलेशन ले लो, ठीक है। तो y और x किस तरीके से कनेक्ट होगा, y is equal to 2x, एक रिलेशन से कनेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें x क्या है, x बिलोंग कर रहा है a को, x का रिप्रेजेंट कर रहा है a के एलिमेंट, और y के रिप्रेजेंट कर रहा है b के एलिमेंट, ठीक है। x belongs to this, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये आपको पता होगा, इसका नाम क्या है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं लोग, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है।
अच्छा इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो टेबुलर फॉर्म में देखो आप सबसे पहले इस रिलेशन को लिखूं तो यहां देखना अब सबसे पहले अगर x की जगह मैं 1 डालूं x की जगह पर 1 डालूं तो ये y कितना मिलेगा 2 तो x की जगह मैंने 1 डाला तो y कितना मिला 2 क्या 1 2 मेरे इस ऑर्डर पेयर के अंदर कहीं है नहीं है नहीं है तो 1 2 हमें इस रिलेशन से नहीं मिलेगा आई बस मैंने x की जगह क्या डाला 1 तो x की जगह मैंने 1 डाला तो y कितना मिल जाएगा 2 तो 1 2 क्या इस ऑर्डर पेयर में है कहीं नहीं है तो 1 2 आपको इस रिलेशन में नहीं मिलेगा आई बस मैंने अब x की जगह क्या डालो बेटा 2 डालो x की जगह क्या डालो 2 डालो तो 2 डालोगे तो x की जगह 2 डालोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको 4 तो 2 4 इसके अंदर है क्या बिल्कुल ये रहा आपका 2 4 तो ये इसके अंदर आ जाएगा इस रिलेशन में ठीक है वैसे ही x की जगह क्या डालो आप 3 डालो x की जगह क्या डालो 3 डालो तो x की जगह 3 डालोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको 6 x की जगह 3 डालोगे तो y कितना मिल जाएगा 6 तो 3 6 है क्या इसमें बिल्कुल ये रहा आपका 3 6 तो ये रहा आपका 3 6 ठीक है तो ये आपका क्या मिल गया 3 6 अब 3 से ज्यादा डाल नहीं सकते क्यों क्योंकि a में सिर्फ एलिमेंट कितने हैं 3 ही तक है तो बस यानी ये रिलेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी ये लिख रखा है ये लिखा हुआ है बात एक ही है ठीक है ये बात आई समझ में ऐसे में लिखो ठीक है ये क्या हो गया आपके टेबुलर फॉर्म हो गया ये क्या हो गया आपके टेबुलर फॉर्म ये कौन सी फॉर्म हो गया आपकी टेबुलर फॉर्म और इसको हम क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है तो इस बात से तो एक चीज समझ में आई जो रिलेशन होता है ना बेटा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सबसेट होता है किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका सबसेट होता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है यानी जितने भी हम रिलेशन उठाते हैं वो किसके अंदर जुड़ा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट से उठाते हैं अच्छा अगर मैं यहां पर बोलूं डोमेन डोमेन ऑफ आर क्या है डोमेन ऑफ डोमेन बताओ इसकी इस रिलेशन की डोमेन बताओ डोमेन ऑफ आर तो बेटा डोमेन क्या होता है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये इसके क्या होते हैं डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं डोमेन इसके डोमेन क्या जाएगा इसका डोमेन आ जाएगा 2 और 3 और इसका रेंज क्या आ जाएगा इसका रेंज आ जाएगा रेंज होता है इसका सिंपल जो इसके सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है इसकी रेंज तो इसका रेंज कितना आ जाएगा आपका 4 6 तो डोमेन और रेंज ऐसे निकाला जाता है रिलेशन का ठीक है कैसे निकाला जाता है जो उसके पहले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं उसके डोमेन और जो उसके सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है रेंज बेटा मैं बता रहा हूँ रिलेशन का ठीक है फंक्शन में दूसरी तरीके से डोमेन रेंज फाइंड करा जाता है ठीक है ये किसका बता रहा हूँ मैं आपको रिलेशन का ठीक है ये बात आगे समझना ये तो यहां तक तो हमारा पूरा 11 था अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन अब आपका 12th में यहां से स्टार्ट होता है ठीक है 12th में आपका बेसिकली यहां से स्टार्ट है तो पहला क्या था आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन अब क्या होता है बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे पहला रिलेशन होता है आपके पास वाइड रिलेशन और इसको हम एमपीटी रिलेशन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एमपीटी रिलेशन क्या होता है बेटा जैसे कि मैंने एक सेट लिया क्या लिया एक सेट ए लिया इसमें कुछ एलिमेंट ले लिया मैंने 1 इसमें कुछ एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4 ठीक है और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर क्या रिलेशन डिफाइन किया कि भाई दो एलिमेंट एक्स एंड वाई आर सच दैट ये इस तरीके से कनेक्ट हो गए हैं कि एक्स में से अगर आप वाई को माइनस करोगे ना तो 100 आ जाएगा एक्स में से आप वाई को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और ऑल x belongs to x and y both are belongs to इसमें x और y जो दोनों हैं वो किसको belong कर रहे हैं सेट a को belong कर रहे हैं बेसिकली हमने इसमें a cross a निकाल रखा है ठीक है अगर आप a cross a निकालोगे तो आपको इसी का cross product इसके साथ मिलेगा अब आप उसमें से कुछ भी एलिमेंट कर लो 1 का 1 से डिफरेंस कर लोगे तो कितना मिलेगा आपको 0 1 का 2 से करोगे डिफरेंस तो कितना मिलेगा माइनस तो आप किसी को भी माइनस करोगे आपको 100 तो कभी भी नहीं मिलेगा
मिलेगा क्या आपको? कोई भी एक ऐसा सेट नहीं मिलेगा। आप 1 1 को कर लो, 1 2 को ले लो, 1 3 को ले लो, 1 4 को ले लो, तो आपको कभी ऐसा कोई रिलेशन मिलेगा? तो ये सिंपली ये रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन होता है आपका फाइव। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सेकेंड टाइप का रिलेशन होता है बेटा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? विच कंटेन एवरीथिंग। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो विच कंटेन नथिंग। याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब यूनिवर्सल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशनशिप में जैसे मैंने एक सेट ले लिया, क्या ले लिया? एक सेट ए ले लिया, इसमें कुछ एलिमेंट ले लिया 1 2 3। अब मैंने रिलेशन आर डिफाइन कर लिया। रिलेशन आर मैंने क्या लिखा? एक्स एंड वाई आर सच दैट, अगर आप एक्स में से वाई को माइनस करोगे और उसका मॉड ले लो, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x and y belongs to A, ठीक है, for all x and y belongs to A। अब आप देखोगे तो अब आप किसी को 1 को 1 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0। तो 0 is greater than equal to 0, स्टेटमेंट 2 आएगा, है ना। अब जैसे इसको आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A को A के साथ क्रॉस करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, फिर 2 1 मिलेगा, है ना, 2 2 मिलेगा, ऐसे आपको मिलेंगे। तो आप देखोगे तो आप किसी को भी लो 1 1 को लोगे तो कितना आएगा? 1 1 कितना आएगा? इसके अंदर आओगे 1 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट क्या था आपका? आप चाहे तो उन दोनों को ले लो, 1 2 को ले लो, तो ये रहेगा 1 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 2 के कितना होता है? -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 का मॉड कितना होता है? वही होता है। ये भी कितना आ गया? 0 से बड़ा 2। आप कुछ भी ले लोगे बेटा इसमें से, तो हमेशा उनसे क्या आएगा आपका? 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी ना। कुछ भी ले लोगे आप, 1 3 का डिफरेंस कितना आएगा आपका? +2, है ना। 2 1 का डिफरेंस 1 3 1 का डिफरेंस 2, तो ऑलवेज क्या आएगा आपको? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपको? पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट उठ के इसमें आएगा, है ना, सारे के सारा क्रॉस प्रोडक्ट उठ के इसमें ही आ जाएगा। तो ये कैसे रिलेशन हो गया? ये हो जाएगा आपका 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यानी पूरा जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस ए, वही आपका क्या बन गया? आर बन गया, ठीक है। आर और ए क्रॉस ए का बराबर, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपके पास तीसरे टाइप का जो रिलेशन है उसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा जो रिलेशन होता है, तीसरे टाइप का जो रिलेशन है उसका नाम है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा? तीसरा रिलेशन होता है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब मान लो आपके पास लेट कोई सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, है आपके पास एलिमेंट 1 2 3। अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपको पता है वो सब आएंगे, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, एंड सो ऑन, आप लिख सकते हो सारा, ठीक है। अब मान लो आपने कोई रिलेशन लिखा, कुछ भी रिलेशन लिखा, जैसे आपने रिलेशन आर लिखा, क्या रिलेशन लिखा आपने? आर रिलेशन लिखा, एक्स एंड वाई आर सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। एक्स एंड वाई दोनों किसको सेट बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को, ठीक है। अब आप देखोगे एक्स एंड वाई, तो एक्स की जगह वन डाल दो, रिलेशन आर क्या हो जाएगा? एक्स की जगह 1 डालोगे तो वाई भी कितना मिल जाएगा? 1। एक्स की जगह 2 डालोगे तो वाई भी कितना मिल जाएगा? 2। एक्स की जगह 3 डालोगे तो वाई भी कितना मिल जाएगा? 3। तो बेसिकली एलिमेंट क्या गया? 1 1 2 2 3 3। तो इस टाइप के जो एलिमेंट होता है, इस टाइप के जो रिलेशन होता है 1 1 2 2 3 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब इसी की तरह एक और रिलेशन होता है, चौथा टाइप का रिलेशन होता है आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा, वो सेम इसी की तरह दिखेंगे। मान लें इसी से ये लेते हैं, लेट एक सेट ए था है ना, इसका ये रिलेशन का क्या है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, जैसे इसमें वन वन टू टू थ्री थ्री तो आ सकते हैं, इसमें और एलिमेंट भी आ सकते हैं, जैसे वन टू भी आ सकता है, टू थ्री भी आ सकता है, आई बस मैं। तो रिफ्लेक्सिव में वन वन टू टू थ्री थ्री तो आने ही आना चाहिए, साथ में कुछ और भी आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, वन वन टू टू थ्री थ्री आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और आ जाता, सपोज यहाँ पर फोर वन आ जाता, तो आप इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते थे। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर है, इसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते थे, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए सिर्फ वन वन टू टू और थ्री थ्री ही आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वन वन टू टू थ्री थ्री तो आए, उसके अलावा कुछ और भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे समझ में, तो ये इस टाइप के रिलेशन का होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का होता है जिसमें वन वन टू टू थ्री थ्री आए, ठीक है। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब अगला रिलेशन होता है वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट रिलेशन होता है आपका फिफ्थ रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, मान लो आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, आपके पास एलिमेंट्स है वही वन टू एंड थ्री, ठीक है, और आपने कुछ रिलेशन भी फाइंड किया, रिलेशन कुछ इस तरीके से आ गया, वन टू और टू वन, थ्री टू एंड टू थ्री, आई बात समझ, और फोर वन, फोर वन तो आ नहीं सकता क्योंकि फोर टू के अंदर है, इस तरीके से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जैसे कि इसमें वन टू है ना, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए टू वन, आई बात समझ। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, जैसे इसमें वन टू है तो उसका उल्टा होना चाहिए, जैसे ये है टू वन, जैसे थ्री टू है तो इसका उल्टा होना चाहिए टू थ्री, आई बात समझ, इसका उल्टा होना चाहिए टू थ्री। रिफ्लेक्सिव में क्या, अगर आपके पास मान लो जनरल की बात करो, अगर आपके पास इफ ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, देन उसमें क्या होना चाहिए आपका बी ए बी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ऐसा हो रहा है देन आप रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बोल सकते हो, उस रिलेशन को आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक बोल सकते हो। अगर आपके पास रिलेशन में ए बी है और बी ए बी है उसका उल्टा भी है तो आप क्या बोल सकते हो, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, आई बात समझ। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नाउ इसका होता है ट्रांजिटिव, इस तरीके का कोई रिलेशन आपके पास, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास वन टू है और टू थ्री है, देखो वन टू और फिर किससे शुरू हो रहा है टू थ्री, तो अगर वन टू है और टू थ्री है देन आपके पास वन थ्री होना चाहिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहती है इफ वन टू है एंड टू थ्री है, देन अगर ये है देन आपके पास क्या होना चाहिए, देन वन थ्री होना चाहिए, देन वन थ्री भी होना चाहिए। बेटा कभी भी बच्चे बोलते थ्री वन, थ्री वन नहीं, क्या होना चाहिए वन थ्री, जैसे यहाँ पर टू थ्री है वन थ्री है तो अब आपके पास क्या होना चाहिए टू थ्री, देखो सॉरी ये गलत हो गया, टू थ्री है ये देखो थ्री टू, टू थ्री थ्री टू तो आपके पास क्या होना चाहिए टू टू, तो इसके अंदर टू टू है क्या, नहीं है टू टू नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो आपके पास क्या है टू थ्री है थ्री टू है ना, टू थ्री है थ्री टू है तो क्या होना चाहिए टू टू होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपको कहीं टू टू नहीं मिल रहा, आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मान लो यहाँ पर टू टू लिख देता हूँ तो अब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। आप चेक कर लो, जैसे कि यहाँ पर थ्री टू है टू टू है तो इसमें थ्री टू होना चाहिए, तो देखो थ्री टू खुद ही है ना, आ रही बात समझ में। इसमें वन थ्री है थ्री टू है तो इसमें वन टू होना चाहिए, तो देखो वन टू है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होता है ट्रांजिटिव। अगर इन जनरल लिखूं तो इन जनरल क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी
belongs to R, then तब क्या होना चाहिए? AC also belongs to relation R. तब A और C, अगर A B belong कर रहा है R को और B C भी belong कर रहा है R को, then AC भी किसको belong करना चाहिए? R को. ठीक है? AC भी किसको belong करना चाहिए? R को. देखो मैं इसका एक example देता हूँ आपको. जैसे जैसे मैं एक relation ले देता हूँ. In general मैं family की बात कर रहा हूँ. तो एक relation ले लिया मैंने. X and Y are such that X is brother of Y. X is brother of Y. और यहाँ पर set किसका लिया मैंने? A set जो ले लिया, यहाँ पर ले लिया. यहाँ पर मैंने सारे all relation in human society. Human society में जितने भी relation होते हैं ना बेटा, वो सारे ले लिए मैंने. तो सबसे पहले अगर मैं इसका क्या करना चाहूँ, रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहूँ, तो एक बात बताओ, कोई खुद का भाई हो सकता है क्या? X is a brother of X. अब आपने रिफ्लेक्सिविटी के क्या होता है? खुद के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन करना है. रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है? खुद के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए. ठीक है, जैसे 1 1 2 2 होना चाहिए. तो देखो, जैसे कोई खुद का भाई होता है? नहीं, कोई खुद का भाई नहीं होता. अपना भाई कोई खुद नहीं होता. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, है ना? एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. समझ में? जो रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई खुद का भाई नहीं होता. अब देखो, अगर एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, देन वाई इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ एक्स. अगर एक्स वाई का भाई है, तो अब उल्टा करो, क्या वाई एक्स का ब्रदर होगा? हाँ, अगर एक्स उसका भाई है तो ये भी तो उसका भाई होगा. देन इसका मतलब ये सिमेट्रिक है. ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सिमेट्रिक है. ठीक है, सिमेट्रिक है ना. अगर अब आपने रिलेशन क्या रखना है? भाई का रखना है. तो लेट, अब आपने क्या करना है? माना आपने कोई भी तीन लोग लिए, मान लो आपने तीन लोग ले लिया एबीसी, इसके अंदर से उठा के ले लिया आपने तीन लोग एबीसी. अब आप कह रहे हो कि ए ब्रदर है बी का, ए ब्रदर है बी का, एंड बी ब्रदर है किसका? सी का. तो ए भी ब्रदर होगा क्या सी का? बिल्कुल होगा ना बेटा. जैसे ए ब्रदर है बी का और बी ब्रदर है किसका? सी का. तो क्या ए ब्रदर होगा सी का? हाँ बिल्कुल होगा, है ना. ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, तो ए और सी भी क्या होंगे? आपस में भाई हो. तो ये क्या रहेगा? आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा. आई होप समझ में आया. ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने ऊपर ही उसका रिफ्लेक्शन करना होता है. सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा? अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको क्या चेक करना होता है? कि बी ए एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रहा है. ठीक है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अगर ए बी एग्जिस्ट है और बी सी कर रहा है, तो आपको क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, जो रिलेशन, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा आपका, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन.